डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK मूवी फैक्ट पे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं साल 2021 में रिलीज हुई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर को। तो फैंस ये फिल्म कौन से आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म ने रिलीज होने के बाद कितनी कमाई किया था और ये फिल्म हिट हुआ था या फिर फ्लॉप हुआ था, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को यूट्यूब पर हिंदी में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फैंस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से चला जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में। तो फैंस इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में। तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टेसरेज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीज प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जहां फैंस ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी रोमांटिक होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूं और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दें बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है आपको बता दें मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नज़र जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यता और मानवीय जो है संदेवन होती है जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफ़ी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज़ के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफ़ी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दें ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफ़ी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवम्बर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी।
फिल्म को रौनक कुरेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है, जो सत्ता के अपराध और फिर जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें, दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजान यानी अनजाने में हुई चीज़ों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है, जो एक निचली जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रिंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है, जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपने जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है, इसकी वजह से वो अपनी जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है, उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है, जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है, जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। अब दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है, फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में। इसमें दोस्तों बता दें, जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं, जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है, जिन्हें एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा, जिसकी वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें, पहले सूचित यह किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं, जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा, इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है, जो कुछ भी जो है उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जम्हाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और इसके अलावा उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है।
दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्र की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेड करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलट वार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है फैक्ट्रोन में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से महज एक कदम की दूरी पर है क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बारात आए हुए हैं जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है, लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है इसके बाद दोस्तों वह अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी
झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है और कभी भी फोन जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है उसमें वो अकेली नहीं है क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है जो कि ओएसडी दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है। हमेशा उसका साथ देती है इस चीज में क्योंकि लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रचा चढ़ा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर और वह उसमें जो है मुरझा जाती है क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहाँ तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो है गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्ष की जरूरत वाली फिल्म है न तो अक्षय ओबेरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म जो सुभ्रा ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो जो एक यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबेरॉय और बरात दोनों ही अभिनेता है जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है आपको बता दे ये ठीक है लेकिन एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है। दोस्तों बता दें मंदिर बनाने वाला जीत जाता है लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है। वह स्वयं जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है जो कि एक दम जो है इनकी पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है इनकी सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें वो और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5/3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चर्च राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है। समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है और वहां पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। और फैंस ये कहानी 2005 में कदौती करती है जहां पे
लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है। दोस्तों बता दें कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक वैश्विक कथा देते हैं और ये कथा को अपना तैसित मोर के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत जो आसानी से हल हो जाती है और कुछ मोर जो है स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी कि धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों, लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है जो एक संपत्ति राजनीतिक जो है पोर्टबोलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजन कर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही साथ अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्चित थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है। और रज्जा चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो है इनकी बढ़ता ही चला जाता है और उनके सबसे अच्छे दर्शक सौरभ शुक्ला के साथ है जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेते हैं। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं और केवल कई बार जो है यूपी में जो मेट्रो बनाया जाता है वहां पे जो मंदिर जो है मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। दोस्तों ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के,
तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार है और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन चारों लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टी-सीरीज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जहां फैंस ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहां पे शूट किया गया, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफी रोमांटिक होने वाली है तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूं और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दे बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है आपको बता दे मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नजर जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यगत और मानवीय जो है संदेवन होती है जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दे ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवम्बर और दिसम्बर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोडेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध और पीड़ित जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दे दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजाने में हुई चीजों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है जो एक हिंदी जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंत तक एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपने जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है, इसकी वजह से वो अपने जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है, उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है।
व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है, जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है, फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में, जिसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं, जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है, जिन्हें एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा, जिसकी वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें पहले सूचित ये किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है। जो कुछ भी जो उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जम्हाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाली में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्र की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेट करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलटवार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो ऊंच जाति के लड़के ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता
मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला। धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मॉडलिंग का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है, और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है फैक्ट्रोन में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से महज एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बरात आए हुए हैं, जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है। लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण गांठों में बांध लेती है, और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है इसके बाद दोस्तों वह अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है, और कभी भी फोन जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है उसमें वो अकेली नहीं है, क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है, जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है, और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है, जो कि ओएसडी दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है, हमेशा उसका साथ देती है इस चीज़ में, क्योंकि लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज़, क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रचा चढ़ा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर, और वह उसमें जो है मुरझा जाती है, क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहाँ तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो है गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्ष की जरूरत वाली फिल्म है, न तो अक्षय ओबरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म जो सुभर ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म, चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो। जो एक यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबरॉय और
बारात दोनों ही अभिनेता है जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है। जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है, आपको बता दे ये ठीक है, लेकिन एक एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है। दोस्तों बता दें मंदिर बनाने वाला जीत जाता है, लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है। वह स्वयं जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है जो कि एक दम जो है इनकी पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है इनकी सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें वह और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो है राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5/3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चर्च राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है। समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है और वहां पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है। यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। और फ्रेंड्स ये कहानी 2005 में कदौती करती है जहाँ पे लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है। दोस्तों बता दें कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक वैश्विक कथा देते हैं और ये कथा को अपना तैसित मोर के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत जो आसानी से हल हो जाती है और कुछ मोड़ जो है स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी कि धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों, लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है जो एक संपत्ति राजनीतिक जो है पोर्टबोलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजनकर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्चित थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है।
और रजत चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो है इनकी बढ़ता ही चला जाता है। और उनके सबसे अच्छे दर्शक सौरभ शुक्ला के साथ है जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेते हैं। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं। और केवल कई बार जो है यूपी में जो मेट्रो बनाया जाता है वहाँ पे जो मंदिर जो मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टीसरीज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी रोमांटिक होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूँ और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दें बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है आपको बता दें मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नज़र जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्य और मानवीय जो है संदेवन होती है जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफ़ी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज़ के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफ़ी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दें ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफ़ी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोटेचा से
5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध और फिर जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजाने में हुई चीजों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है जो एक निचली जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंत तक एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपनी जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है, इसकी वजह से वो अपनी जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है, उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में, जिसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है जिन्हें एक पुलिस जो है पर्तुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा जिसके वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें पहले सूचित ये किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपार्द फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है जो कुछ भी जो है उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जम्हाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने
भर्ती धंधियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है, क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्रा की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेट करता है और आपको यहां नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलटवार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है बैकग्राउंड में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से महज एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बारात आए हुए हैं, जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्स दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है। लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है इसके बाद दोस्तों वह अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है और कभी भी पूर्ण जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है
उसमें वो अकेली नहीं है क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है, जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है, जो कि ओएसडी दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है। हमेशा उसका साथ देती है इस चीज़ में क्योंकि, लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज़ क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रक्षा चड्ढा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर और वह उसमें जो है मुरझा जाती है क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतान भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहां तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्ष की जरूरत वाली फिल्म है, न तो अक्षय ओबरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म जो सुभ्रा ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म, चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो। जो एक यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबरॉय और बरात दोनों ही अभिनेता है जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है, जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है? आपको बता दे ये ठीक है, लेकिन एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है। दोस्तों बता दें मंदिर बनाने वाला जीत जाता है, लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है। वह स्वयं जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है जो कि एक दम जो है इनकी पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है इनकी सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें वो और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चार्ज राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है। समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है, सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है और वहां पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है, यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। और फ्रेंड्स ये कहानी 2005 में कदौती करती है जहाँ पे लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है।
दोस्तों बता दें, कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक व्यस्त पटकथा देते हैं और ये कथा को अपना तैचित मोड़ के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें, जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत जो आसानी से हल हो जाती है और कुछ मोड़ जो है स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों, निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों। लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है जो एक संपदी राजनीतिक जो है पोर्टबॉयलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजनकर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही साथ अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्चित थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है। और रजत चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो यानी कि बढ़ता ही चला जाता है और उनके सबसे अच्छे दृश्य सौरभ शुक्ला के साथ है जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेते हैं। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं और केवल कई बार जो है यूपी में जो मेट्रो बनाया जाता है वहां पे जो मंदिर जो है मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टीसरीज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जी हां फ्रेंड्स, ये फिल्म अभी आपको यूरोप पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी
मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी रोमांटिक होने वाली है तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूँ और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दे बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है आपको बता दे मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नज़र जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यता और मानवीय जो है संदेवन होती है जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दें ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोटेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध और फिर जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजान यानी अनजाने में हुई चीज़ों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है जो एक निचली जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रिंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंत तक एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपने जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है इसकी वजह से वो अपने जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है। उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। अब दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में। इसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है।
ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है, जिन्हें एक पुरुष पर एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को। और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा, जिसके वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें, पहले सूचित यह किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे, इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा, इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रक्षा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है। जो कुछ भी जो है उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जमाए भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्र की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेड करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलटवार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उसे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है फैक्ट्रोन में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहां से हो चुकी है, यहां से महज एक कदम की दूरी पर है क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह
सुभर योजित बरात आए हुए हैं, जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है। लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण जो है गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है इसके बाद दोस्तों वह अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है और कभी भी फोन जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है उसमें वो अकेली नहीं है, क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है, जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है, जो कि ओएसडी दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है। हमेशा उसका साथ देती है इस चीज में, क्योंकि लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज, क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रचा चढ़ा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर और वह उसमें जो है मुरझा जाती है, क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहां तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो है गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्ष की जरूरत वाली फिल्म है, न तो अक्षय ओबेरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म जो सुभर ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म, चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो। जो एक यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबेरॉय और बरात दोनों ही अभिनेता हैं जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है, जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है? आपको बता दे ये ठीक है, लेकिन एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है।
दोस्तों बता दें, मंदिर बनाने वाला जीत जाता है, लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है। वास्वाय जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है, जो कि एक दम जो है इनकी पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है इनकी सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें, वो और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है, लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है, जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चर्च राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है। समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है, सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है, और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है, और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है, जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है, और वहां पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है, यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। अब फ्रेंड्स, ये कहानी 2005 में कदौती करती है, जहाँ पे लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं, और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है। दोस्तों बता दें, कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक व्यस्त पटकथा देते हैं, और ये कथा को अपना तैचित मोर के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें, जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत जो आसानी से हल हो जाती है, और कुछ मोर जो स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है, और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी कि धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों, लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है, और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है, और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है, जो एक संपत्ति राजनीतिक जो है पोर्टबोलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजनकर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही साथ अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्चित थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है। और रज्जा चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो है यानी कि बढ़ता ही चला जाता है, और उनके सबसे अच्छे दर्शक सौरभ शुक्ला के साथ है, जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेते हैं। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं, और केवल कई बार जो है यूपी में
जो मेट्रो बनाया जाता है वहाँ पे जो मंदिर जो है मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में, तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें, तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टीसीरीज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में, तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जहां फैंस ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें, तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूं और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूं। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए, तो दोस्तों बता दे बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है, आपको बता दे मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नजर जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यता और मानवीय जो है संदेवन होती है, जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दें ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोटेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है, जो सत्ता के अपराध और पीड़ित जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजान यानी अनजाने में हुई चीज़ों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें
इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है, जो एक हिंदी जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और हरिंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंततः एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है, जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपनी जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है, इसकी वजह से वो अपनी जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है, उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में, जिसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है जिन्हें एक पुरुष पर एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा, जिसकी वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें पहले सूचित ये किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है, जो कुछ भी जो उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जम्हाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है
कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्रा की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेड करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे ही कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलटवार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है एक्टर में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहां से हो चुकी है, यहां से महज एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बारात आए हुए हैं, जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है। लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है, जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है इसके बाद दोस्तों वह अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है और कभी भी पूर्ण जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है उसमें वह अकेली नहीं है, क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है, जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है, जो कि ओएसडी दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है, हमेशा उसका साथ देती है इस चीज में, लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है, क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज, क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रचा चढ़ा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर
और वह उसमें जो है मुरझा जाती है क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतान भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहाँ तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो है गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्षी की जरूरत वाली फिल्म है, न तो अक्षय ओबेरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म जो सुभर ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म, चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो। जो एक ही यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबेरॉय और बरात दोनों ही अभिनेता है जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है, जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है, आपको बता दे ये ठीक है, लेकिन एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है। दोस्तों बता दें मंदिर बनाने वाला जीत जाता है, लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है। वह स्वयं जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है जो कि एक दम जो है इनकी पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है इनकी सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें वो और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है, लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चर्च राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है। समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुँचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है और वहाँ पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है, यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। अब फ्रेंड्स ये कहानी 2005 में कदौती करती है जहाँ पे लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है। दोस्तों बता दें कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक वैश्य पटकथा देते हैं और ये कथा को अपना तैचित मोर के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत आसानी से हल हो जाती है और कुछ मोर जो है स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी कि धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों, लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के
तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है जो एक संपद राजनीतिक जो है पोर्टबोलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजनकर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही साथ अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्ची थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है। और रजत चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो है इनकी बढ़ता ही चला जाता है और उनके सबसे अच्छे दिग्दर्शक सौरभ शुक्ला के साथ है जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेती है। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं और केवल कई बार जो है यूपी में जो मेट्रो बनाया जाता है वहाँ पे जो मंदिर जो है मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है 4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टीसरीज फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीज प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जहां फैंस ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है, तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहां कहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पांस रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पांस मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहां पे शूट किया गया, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफी रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूँ और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दे बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है, आपको बता दे मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमहार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने
और नजर जो है पैनी रही है और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यता और मानवीय जो है संदेवन होती है जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दें ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोटेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है जो सत्ता के अपराध और फिर जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजान यानी अनजाने में हुई चीजों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है जो एक हिंदी जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है। अंत तक एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग। अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपने जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही वो काम बिल्कुल सही है इसकी वजह से वो अपने जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है। उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। अब दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में जिसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है जिन्हें एक पुरुष पर एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा जिसकी वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें पहले सूचित ये किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म।
लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है। जो कुछ भी जो उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जमाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को ऊंच जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और काम सूत्र की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेट करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलट वार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है फैक्ट्रोन में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से महज एक कदम की दूरी पर है क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बारात आए हुए हैं जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है, लेकिन
एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण जो है गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है और उसके जो है बंदूकधारियों ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए वहां तैनात जो है सुरक्षा कर्मियों पर अंधाधुंध जो है गोलियां चलाई है। अब दोस्तों इन सब बातों से तारा को अरविंद सिंह और इंद्रमणि त्रिपाठी दोनों के हमलों का सामना करना पड़ जाता है जिसने फिल्म के शुरुआती क्षणों में उसे धोखा दिया था। ये प्रतिशोध का समय है जब अपने दुश्मनों के साथ उसका जो है टकराव विचित्र मिनी झबरों का रूप जो है धारण कर लिया जाता है और कभी भी पूर्ण जो है विकसित जो है और साथ ही साथ स्मैकडाउन में विकसित नहीं होता है। अपने जो है सिंहासन को बचाने के लिए वह जो लड़ाई लड़ रही होती है उसमें वो अकेली नहीं है क्योंकि सूरज भान एक बुद्धिमान सलाहकार के रूप में इसमें शामिल है जबकि उसका तेज तरार भाई बबलू इसमें भी शामिल है और चालक जो है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वाला भी इसमें शामिल है जो कि OSD दानिश रहमान खान द्वारा जो है मानव कॉल को इसमें रखा गया है। हमेशा उसका साथ देती है इस चीज़ में क्योंकि लेकिन ये जल्दी ही सभी के लिए एक मुफ्त में बदल जाता है क्योंकि दोस्तों बता दें प्रमुख जो है खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं न तो जो है जाति का विरोध करते हैं और न ही जो है लिंग का सवाल जो है पूछते हैं। अब मायने रखता है ये चीज़ क्योंकि तारा को अपने राजनीतिक विरोधियों का सामना करना पड़ जाता है। इसके बाद दोस्तों बता दें रचा चढ़ा को अपने कंधों पर उठाने के लिए बहुत कुछ दिया गया है फिल्म के अंदर और वह उसमें जो है मुरझा जाती है क्योंकि इसका जो है खामियाजा फिल्म को भुगतना पड़ जाता है। यदि मैडम मुख्यमंत्री ये भ्रम में होती तो मुख्य अभिनेत्री को दोष नहीं देना है क्योंकि दोस्तों फिल्म की पटकथा निर्माण है और यहां तक कि सौरभ शुक्ला और मानव कौल दोनों ही हमेशा की तरह इस तरह फिल्म में जैसे जो है गुणवत्ता वाले अभिनेता भी फिल्म को जो है कीचड़ से नहीं बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कुछ कहानी कुछ स्क्रिप्ट ऐसी होती है कि चाहो जितना भी कोशिश कर लो फिल्म अच्छी नहीं बन पाती है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके हुए मूवी है। ये फिल्म राजनीतिक टकराव पर टिके किसी भी नाटक के लिए जो है सशक्त रूप से लिखित की गई प्रतिपक्ष की जरूरत वाली फिल्म है न तो अक्षय ओबेरॉय की बल्कि जो है ये फिल्म सुभ्रा ज्योति बरात के पात्रों को पर्याप्त रूप से उभार दिया गया है। फिल्म के पाठ्यक्रम के बारे में हम बात कर ले तो कोई भी वास्तविक जो है प्रभाव डाले बिना आता है ये फिल्म चाहे जो है कितनी भी आप कोशिश कर लो जो एक यानी कि अफसोस की बात यह है कि क्योंकि ओबेरॉय और बरात दोनों ही अभिनेता है जो अपने जो है खेल को बढ़ावा देने में सक्षम है जब उन्होंने वह स्थान दिया तो जिसके लिए वह हकदार है फिल्म के अंदर। दोस्तों क्या इस फिल्म से कोई भी सीख नहीं सकता है आपको बता दे ये ठीक है लेकिन एक खंड में कम से कम जो है एक पंक्ति तो होनी चाहिए जिस पर कोई विचार करना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर में एक राजनेता जो दूसरे से ये कहता है कि वह प्रदेश में है जहाँ पे जो मेट्रो बनाता है वह हार जाता है और वह जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है। दोस्तों बता दें मंदिर बनाने वाला जीत जाता है लेकिन धमाका करे यहाँ पे तारा अपनी ओर से जो है कैसे जो है लग रही है इसमें ये बात है वह स्वयं जो है यानी कि प्रश्न का उत्तर जो है यानी कि अलंकारिक बल के साथ जो है दिए गए एक अन्य प्रश्न के रूप में देता है जो कि एक दम जो है यानी कि पटाखा लगता है। काश हम उससे जो है यानी कि सहमत होते। इसके अलावा दोस्तों बता दें वह और नहीं बल्कि फिल्म जो है पटाखों से किसी भी तरह की समानता रखी जाती है लेकिन मैडम चीफ मिनिस्टर एक मिस फायर जैसी फिल्म में जो बिना ज्यादा मतलब के बहुत शोर मचाती है इस फिल्म के अंदर जो है लिहाज से ये हमें पता चला है रिव्यू करते हुए कि हमारे कई जो राजनेताओं की तरह ये फिल्म जो है एक अच्छी और कहानी को दिखाने की कोशिश की गई है फिल्म के अंदर। रिव्यू रेटिंग के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म को 5/3 स्टार रेटिंग दिया गया है। कहानी के बारे में हम बात करें तो मैडम चीफ मिनिस्टर एक शक्तिशाली दलित नेता के जीवन में उतार चढ़ाव का एक काल्पनिक लिखा गया कहानी है जो भारत की सबसे अधिक जो है आबादी वाले और राजनीतिक रूप से चर्च राज्य उत्तर प्रदेश की पहली जो है महिला मुख्यमंत्री बनती है।
समीक्षा करते हुए एज जो है चिलिंग और ओपनिंग सीन में लेखक जो है निर्देशक सुभाष कपूर हमें दिखाते हैं कि कैसे एक दलित दूल्हे की बारात एक खूनी गोलीबारी में समाप्त हो जाती है, सिर्फ इसीलिए कि ये जो है ठाकुर परिवार को असुविधा पहुंचाता है। इसके अलावा दोस्तों आगे होने वाले हंगामे के बारे में हम बात कर ले तो एक गरीब दलित व्यक्ति के रूप में राम की हत्या कर दी जाती है और इससे कुछ जो है मिनट पहले उसकी पत्नी एक और जो है लड़की को जन्म देती है और ये 1982 का उत्तर प्रदेश में है, जो जहां लैंगिक और जो है जातिगत जो है भेदभाव बड़े पैमाने पर की जाती है और वहां पे शिशु हत्या एक आम जो है प्रथा चली जा रही है, यानी कि बच्चों को हत्या करना ये बिल्कुल आम बात है उस जगह पे। और फ्रेंड्स ये कहानी 2005 में कदौती करती है, जहाँ पे लड़की जो है तारा रच्चा चढ़ा जहाँ पे बड़ी होकर एक उग्र और गर्म दिमाग वाली युवा महिला बन जाती है। इसका जो है आगमी राजनेता के साथ जो है यानी कि बाउंडर का चक्कर जो है लगभग उसकी जान ही ले लेता है। तभी दोस्तों एक जो है सम्मानित की गई जमीनी स्तर के दलित नेता जो है मास्टर जी और सौरभ शुक्ला जो उसे अपने पंख के नीचे ले जाते हैं और इस तरह जो है राजनीतिक और सत्ता की धुंधली दुनिया में उसकी यात्रा शुरू करवाती है। दोस्तों बता दें कपूर हमें अपने जो है नायक के जीवन में असंख्य घटनाओं और चुनौतियों के साथ एक वैश्य वध कथा देते हैं और ये कथा को अपना तैचित मोर के साथ जो है प्रभावित करते हैं। दोस्तों बता दें जरूर कुछ यानी कि विवाद बहुत जो आसानी से हल हो जाती है और कुछ मोर जो है स्पष्ट रूप से असंभव लगते हैं, लेकिन ये तथ्य की बात कर ले तो तारा का चरित्र यूपी के पूर्व सीएम के समान है और हम जानते हैं कि राजनीतिक में कुछ भी यानी कि असंभव नहीं होता है। बेशक दोस्तों निर्माता ने तारा को अपनी कहानी के नायक की तरह बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। कड़ी मेहनत करने के बाद जो है शक्तिशाली अभी तक जो है दर्द और बोल्ड अभी तक जो है यानी कि धोखा दिया गया है अक्षर दोस्तों, लेकिन कपूर का लेखन तारा के विकास के लिए बहुत कम समय देता है और एक रैंक से लेकर एक अनुभवी जो है राजनेता तक इस तथ्य के बावजूद कि उसे कभी भी किसी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा को आश्चर्य देते हुए नहीं दिखाया गया है और ये उस कथा में कुछ जो है दृढ़ विश्वास को लूटता है जो एक संपद राजनीतिक जो है पोर्टबोलर के सभी जो है बक्सों की जांच करने की सख्त कोशिश करता है ये फिल्म। तो गाइस आपको बता दें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2021 में रिलीज हुई मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों फिल्म की एक सरल बात यह है कि साधारण और मनोरंजनकर्ताओं होने की अटूट प्रतिबद्धता काम करती है फिल्म में। जातिवाद को लेकर और साथ ही साथ अराजकता और वोट बैंकिंग के वजह से राजनीतिक जैसे कई जो है जमीनी मुद्दों को समेटे होने के बावजूद जो है इसकी अति जो है अर्चित थीम तारा की व्यक्तिगत यात्रा के प्रति जो है वफादार है फिल्म में, ये इसे और अधिक जो है दिलचस्प बनाती है। और रत्या चड्ढा का शान जो है प्रदर्शन का ब्रांड उसके घटिया बिक के बावजूद हम पर जो है इनकी बढ़ता ही चला जाता है और उनके सबसे अच्छे दृश्य सौरभ शुक्ला के साथ है जो अपने जो है भयानक समय और साथ ही साथ तारा के आदर्शवादी जो है संरक्षण के यथार्थवादी चित्रण के साथ शो को चुरा लेती है। दानिश खान के बारे में हम बात कर ले तो दानिश खान के रूप में मानव कौल और इंदु के रूप में अक्षय ओबरॉय अपने अपने हिस्से में अच्छे परफॉर्म करते हैं। कपूर अपने डायलॉग्स बेहतर इसमें डिलीवर करते हैं, डायलॉग्स को बेहतर जो है पैदल रखते हैं और केवल कई बार जो है यूपी में जो मेट्रो बनाया जाता है वहां पे जो मंदिर जो है मेट्रो बनाता है वो हार जाता है और जो मंदिर बनाता है वो जीत जाता है, कुछ इसी तरह की कहानी को फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी और आपको कहाँ पे हिंदी में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं, तो प्लीज दोस्तों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों इस फिल्म की कहानी काफी शानदार है। मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की एक पॉलिटिशियन फिल्म है जिसे मैडम चीफ मिनिस्टर के नाम से रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के ऊपर। इस फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी में और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। इसके अलावा दोस्तों बात करें इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में, तो दोस्तों फिल्म को बनाने में तकरीबन जो है
4 मिलियन से अधिक रुपए खर्च हुए थे। और बात करें इस मूवी की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में तो फिल्म ने 5 मिलियन से अधिक की कमाई किया है। इसके अलावा दोस्तों बात कर ले फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म में ऋचा चड्ढा और उनके अलावा मानव कौल फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए हुए हैं। बात करें फिल्म के डायरेक्टर के बारे में तो इस फिल्म को सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी लेखक के बारे में हम बात करें तो सुभाष कपूर जी ने ही फिल्म की कहानी को लिखे हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करें मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी की प्रोड्यूसर के बारे में, तो दोस्तों इस फिल्म को 4 लोगों ने प्रोड्यूस किया है। और सबसे पहला नाम आता है भूषण कुमार का, उसके बाद दूसरा नाम आता है कृष्णा कुमार के, तीसरे नाम के बारे में हम बात कर ले तो नरेंद्र कुमार हैं, और चौथे नाम के बारे में हम बात कर ले तो डिम्पल खरबंदा है। इन 4 लोगों ने मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किए हैं। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी के बारे में हम बात करें तो दोस्तों इस फिल्म को प्रोडक्शन किया है टेसरेस फिल्म, उसके अलावा कंगारा तलकीस प्रोडक्शन द्वारा फिल्म को बनाया गया था। और बात करें फिल्म की डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में तो ए फिल्म द्वारा मूवी को दुनिया भर में रिलीज किया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, ये फिल्म अभी आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी की प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म के अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। तो अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म आपको अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है हिंदी भाषा में। तो गाइस इस वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि ये फिल्म कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों मूवी को क्या रिस्पॉन्स रेटिंग मिला है रिलीज होने के बाद, और फिल्म की कहानी को क्या रिस्पॉन्स मिला हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइस ये वीडियो काफी रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आप लोगों का कमेंट आता है तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करता हूँ, और आप लोगों का कमेंट का मैं वेट भी करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों बता दे बतौर फिल्मकार जिन लोगों की फिल्मों को लेकर उत्सुकता बनी रहती है, आपको बता दे मौजूदा दौर के उन जो है गिनती के निर्देशकों में सुभाष कपूर का नाम सुमार होता है। पत्रकार रहे हैं उन्होंने और नजर जो है पैनी रही है, और उनकी कहानियों में राजनीतिक व्यंग्यत और मानवीय जो है संदेवन होती है, जो सामाजिक जो है सरोकार के साथ ये फिल्म काफी मेलजोल करती है। तो गाइस ये फिल्म एक राजनीतिक चीज के ऊपर बनाया गया है। इस फिल्म में आपको काफी शानदार जो है एक्टिंग देखने को मिलता है ऋचा चड्ढा का। दोस्तों आपको बता दे ऋचा चड्ढा का आपको इसमें काफी शानदार जो है परफॉर्म भी देखने को मिलेगा। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी सुभाष कपूर द्वारा निर्देशित की गई 2021 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई हुई है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा के बारे में बात की जाए तो 12 फरवरी 2020 को चड्ढा द्वारा की गई थी इसकी घोषणा। फिल्म की शूटिंग के बारे में हम बात कर ले तो दोस्तों इस फिल्म को लखनऊ में नवंबर और दिसंबर 2019 के दौरान सीधे शुरू में इस फिल्म को 40 दिनों के अंदर ही शूट किया गया था। 40 दिवसीय शेड्यूल को पूरा करने के लिए की गई थी। और दोस्तों ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। फिल्म को रौनक कोटेचा से 5 से 3 स्टार मिले। उन्होंने इस फिल्म को रिव्यू करते हुए 5 में से 3 स्टार दिए हुए हैं, और उन्होंने फिल्म का वर्णन इस प्रकार किया है कि मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को एक मनोरंजन फिल्म उन्होंने कहा है। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने कहा है कि ये फिल्म राजनीतिक नाटक होने के लिए हमारा वोट मिलता है, जो सत्ता के अपराध और पीड़ित जो है गलियारों में स्थापित है फिल्म की कहानी। इसके साथ दोस्तों बता दें दलित महिला को नहीं चुनने के लिए बल्कि फिल्म की मुख्य भूमिका की आलोचना की गई है। अभिनेता ने जवाब दिया है कि इस फिल्म के अंदर अफसोसजनक बात यह है कि पूरी तरह से अनजान यानी अनजाने में हुई चीजों को दिखाया गया है फिल्म के अंदर। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दे इस फिल्म की कहानी जो है फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर तारा की कहानी को बताया गया है, जो एक निचली जाति की युवती है जो अपने जो है समुदाय में बदलाव लाने का सपना देखती है, और वह एक राजनीतिक दल में शामिल हो जाती है इस सपना को देखते हुए। अब दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि और रिंगों के माध्यम से अपना काम वो काफी शानदार कर रही है, अंत तक एक वरिष्ठ नेता की भरोसेमंद सहयोगी बन जाती है। इसके बाद दोस्तों अपनी बुद्धिमत्ता और मड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी बुद्धिमत्ता और कड़ी मेहनत के बावजूद तारा को अपने आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना भी करना पड़ता है, जो उसकी जाति को सफलता की बाधा के रूप में देखते हैं सभी लोग।
अब दोस्तों अगले सीन में ये पता चलता है कि चुनौतियों के बावजूद तारा अडिग रहती है अपनी जीत पे और उनका ये मानना है कि मैं जो काम कर रही हूँ वो काम बिल्कुल सही है, इसकी वजह से वो अपनी जीत पे अडिग रहती है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसा अवसर आता है जो उनका इंतजार था। इस अवसर के लिए वो दोनों हाथ जो है आगे बढ़ाती है और वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ी हो जाती है और जीत जाती है चुनाव। राज्य के इतिहास में सबसे जो है कम उम्र की मुख्यमंत्री बन जाती है। हालांकि सत्ता में उसकी चढ़ाई उसकी चुनौतियों के बिना नहीं है, उसे अपनी ही पार्टी के साथ साथ जो है अन्य राजनीतिक दलों और मीडिया से विरोध का सामना भी करना पड़ता है। व्यक्तिगत चुनौतियां भी होती है जिसमें जो है उनके प्रेमी के साथ उसका रिश्ता भी शामिल है जो एक उच्च जाति का सदस्य इंसान है। दोस्तों फिल्म में हमें ये पता चलता है, फिल्म भारतीय राजनीतिक जो है जटिलताओं और विरोध भाषाओं की पड़ताल करती है बाद में, जिसमें दोस्तों बता दें जाति का व्यापक जो है प्रभाव और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार शामिल किए गए हैं जो अक्सर जो है राजनीतिक जीवन की एक ही विशेषता है। ये सत्ता के पदों पर जो है महिलाओं के संघर्ष को भी उजागर करता है जिन्हें एक पुलिस जो है परतुहा वाली दुनिया को और साथ ही साथ दोस्तों नेविगेट करना होगा, जिसकी वजह से पूर्वाग्रह और भेदभाव को दूर किया जाता है फिल्म के अंदर। तो गाइस इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बता दें पहले सूचित ये किया गया था कि राजनीतिक नाटक हिंदी सिनेमा में दुर्लभ है। जब मैडम चीफ मिनिस्टर नाम की एक फिल्म आती है तो कोई भी अपनी जो है उत्तेजना को मुश्किल से रोक नहीं सकता है। आप एक सिनेमाई काम की उम्मीद भी कर सकते हैं जो राजनीतिक और लिंग दोनों से ही निपटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों दो विषयों में बुद्धिमानता और साथ ही साथ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ये फिल्म। लेकिन दोस्तों सुभाष कपूर द्वारा लिखित की गई कहानी और निर्देशित की गई फंस गए रे इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें ओबामा यानी कि फंस गए रे ओबामा इस तरह के डायलॉग्स भी इसमें रखे गए हैं। साथ ही साथ दोस्तों जोली एलएलबी और मुख्य भूमिकाओं में रचा चड्ढा अभिनीत की गई ये नहीं जो है नाटकीय रिलीज एक अपराध फिल्म है और ये फिल्म जो है बेसवाद से भरी हुई है। दोस्तों मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म मैडम मुख्यमंत्री पैदल चलने वालों फिल्मों की और साथ ही साथ दोस्तों धारणाओं का एक जो है घाल मिल किए गए फिल्म है। जो कुछ भी जो है उल्लेखनीय होती है ये जाति और लैंगिक मुद्दों को न कि बल्कि आधे अधूरे मन से जो है बल्कि जम्हाई भी किए जाते हैं फिल्म के अंदर। दोस्तों उत्पीड़न यह है कि क्रेज की सहायता से भी छूटा हुआ है। ये मुख्य रूप से एक ऐसी कहानी है जो राजनीतिक सत्ता के लिए अनुचित और विचित्र तरीकों से बाहर निकलने वाले लोगों पर सवार करता है। मुख्य चरित्र के बारे में बात की जाए तो सामाजिक पहचान और नहीं और इसके अलावा जो है नहीं उसका लिंग किसी भी यानी कि महत्वपूर्ण तरीकों से खेल में आता है। दोस्तों जब जो है महिला भारत के सबसे बड़े राज्य में सर्वोच्च पद जो है ग्रहण करती है और अपने प्रतिद्वंदियों को खाड़ी में रखने के लिए रोकना जो है शुरू कर देती है। मैडम चीफ मिनिस्टर मूवी 1980 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में कहीं जो है खुलती है, जिस दिन एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात को उच्च जाति के इलाके से गुजरने से हिंसक रूप से रोका जाता है। दूसरे दलित घर में एक लड़की कन्या भ्रूण हत्या से बच जाती है क्योंकि फिल्म जो है वर्तमान में आगे बढ़ती चली जाती है। इधर दोस्तों अगले सीन में हमें यह भी पता चलता है कि नायिका तारा यानी कि वह स्पष्ट रूप से वह लड़की है जो 1982 में अपने जन्म के दिन से अधिक जो है जीवित नहीं रही होगी। अब एक लड़कों के कॉलेज में सहायक जो है लाइब्रेरियन है, कुछ लड़के लाइब्रेरी में घुस जाते हैं और कामसूत्र की कॉपी जो है मांगना शुरू करते हैं। तारा उन्हें अपने मन की बात बताने लगती है और उन्होंने जल्दबाजी में वापसी की, जिसके वजह से क्षण भर बाद एक छात्र नेता इंद्रमणि त्रिपाठी अक्षय ओबरॉय अपने नारा लगाने वाले समर्थकों के साथ जो है वाचनालय में आता है और वह फिर से ड्रेड करता है और आपको यहाँ नारे लगाने की अनुमति नहीं देता है। इसके बाद दोस्तों वह उनसे कहता है कि हमें अनुमति दे जो कॉलेज और इसके अलावा यूनियन चुनाव के उम्मीदवार ने पलटवार किया। इसके बाद दोस्तों ये पता चला कि तारा जो है इंद्रमणि त्रिपाठी के साथ जो है रिश्ते में है, इसकी वजह से वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है।
पहली बार वह गर्भपात के लिए गई थी, फिर नहीं जब जो उच्च जाति के लड़के ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो वह जोर देती है, जिसकी वजह से वह अपना पैर नीचे रखती है और घोषणा करती है कि वह गर्भावस्था को समाप्त नहीं करेगी चाहे जो भी हो। अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित प्रेमी ने अपने जो है गुंडों को उस पर छोड़ दिया। इधर दोस्तों एक अनुभवी राजनीतिक नेता मास्टर सूरज भान और उनके अलावा भौरव शुक्ला धारा सही जो है समय पर बचाए जाने के बाद वह उनकी पार्टी की आंतरिक जो है मोडली का हिस्सा बन जाती है, जो पिछली जो है जातियों के उत्थान के लिए काम करती है और वह जल्दी से बूढ़े आदमी की भरोसेमंद जो है फैक्टर में बन जाती है इस फिल्म के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि उनके राजनीतिक जो है उत्थान की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है, यहाँ से महज एक कदम की दूरी पर है, क्योंकि प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के नेता अरविंद सिंह सुभर योजित बारात आए हुए हैं, जो आगामी राज्य चुनाव के लिए सूरज भान के संगठन के साथ गठजोड़ करने की पेशकश करते हैं। इधर दोस्तों तारा में जो है चिंगारी देखने के बाद जो है सूरज भान ने उसे अरविंद सिंह के साथ सीट जो है बंटवारे के सौदे पर बातचीत करने के लिए भेजा। अब दोस्तों उसको जाने के बाद ये पता चलता है जल्द ही वह मौजूदा मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी की उम्मीदवार बन जाती है। यहाँ पे पुरुष जरा चिकित्सा दशा के प्रभुत्व वाले राजनीतिक गठन में एक एक कठिन युवा महिला तारा बिना किसी जो अनिश्चित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई गई है। जब दोस्तों गठबंधन आसानी से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में चुना जाता है। इस बिंदु तक जो है मैडम मुख्यमंत्री जो सूत यानी कि काटती है और वह चलने योग्य बनता है, जिसके बाद जो है शायद ही विश्वसनीय भी है। लेकिन एक बार जो है आपसी प्रतिद्वंदी सामने आने के बाद और राजनेता जो है गुमराह स्कूली बच्चों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिल्म की पटकथा को लेकर खुद को जो है मूर्खतापूर्ण गांठों में बांध लेती है और कौन इस विचार को स्वीकार करेगा कि एक वरिष्ठ नेता एक होटल में उतरेगा जहां उसके जो है विधायकों को जबरन जो है रखा गया है। फैंस इस वीडियो में हमने रिव्यू किया है मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म को, जिसे 2021 में रिलीज किया गया था। तो फैंस ये मूवी कौन सी आपको कहाँ पे हिंदी डब में देखने को मिलेगा पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। बात की जाए इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में तो फिल्म को 22 जनवरी 2021 को हिंदी और इंग्लिश भाषा में एक साथ रिलीज किया गया था। रिलीज होने के बाद फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। वहीं पे इस मूवी के रिव्यू रेटिंग के बारे में बात की जाए तो दोस्तों फिल्म को 5 में से 3 स्टार रेटिंग दिया गया है और फिल्म की कहानी को एक अच्छा कहानी जो है बनाने की कोशिश किया गया था। लेकिन दोस्तों फिल्म ने उतना बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं किया जितना कि इस मूवी से उम्मीद किया जा रहा था। तो गाइस अगर आप भी रचा चड्ढा के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये फिल्म अभी आपको नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिलता है क्योंकि इसका अधिकार नेटफ्लिक्स को बेचा गया है। दोस्तों बता दें ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की राजनीतिक ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म में रचा चड्ढा मुख्य भूमिका में नजर आई है। दोस्तों सबसे पहले फिल्म की घोषणा 12 फरवरी 2020 को रचा चड्ढा द्वारा की गई थी। इसके बाद दोस्तों इस मूवी को सीधे जो है 40 दिवसीय शेड्यूल पूरा करने के लिए ये फिल्म 22 जनवरी 2021 को भारत में नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। मूवी की शूटिंग लोकेशंस के बारे में हम बात कर ले तो फिल्म को लखनऊ में शूट किया गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड सी यू सून।